हेलो गाइस, जो आप यह ग्राउंड देख रहे हैं यह पुलिस लाइन आगरा का ग्राउंड है जो आज बहुत सुंदर दिख रहा है। आप खुद ही देख सकते हैं जो कि ग्राउंड का डेकोरेशन आज बहुत ही सुंदर दिख रहा है, क्योंकि कुछ महीनों से लगातार पीएससी वालों की ट्रेनिंग चल रही थी जिनकी आज लास्ट पीओपी है। कुल टोलियों की संख्या 8 है, जिससे आप प्रत्येक टोली का मार्चअप देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं। आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पर आगरा में इन्होंने सभी ने बहुत ही कड़ी मेहनत से अच्छी ट्रेनिंग लेकर जा रहे हैं सभी। साथ बढ़ते हुए कदम, एक साथ उठते हुए हाथ, मानो इंगित कर रहे हो टुकड़ियों में बटे होने के बाद भी एक है। एकता ही हमारी पहचान है। हम तो खड़े होने की ड्यूटी है। एकता के लिए ही सब कुछ हमें करना है, ऐसा इनको सिखाया गया है। देखिए कितना खूबसूरत आगे और पीछे तीन तीन टोलियां तिरंगा ध्वज बनाती हुई उधर पढ़ने वाली पीएससी बैंक याद दिलाता हुआ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। इनके जोश, इनके जज्बे को सलाम करने का मन करता है। एक बार जोरदार तालियों से परेड के जवानों का स्वागत करें, इनके उत्साह को और बढ़ाएं। शाबाश बकब जवानों, बढ़ो आगे। आज से हर चुनौती से निपटने के लिए, समाज में जाने के लिए यही जोश चाहिए। बीच में खड़े हो जाए तो क्या दिक्कत है। बहुत सुंदर। मैं पुनः अनुरोध करूंगा, जहां जहां से हमारी परेड के दिशांत के जवान गुजर रहे हैं, जहां जहां से मार्च पास्ट करते हुए जा रहे हैं, ये जोश और बढ़ाना है, जोरदार तालियों से इनका सम्मान करना है। पूरी परेड मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करने के लिए मार्च पास्ट करती हुई परेड कमांडर प्रथम और द्वितीय तालियां बजाते रहे। जो इधर हमारे दाहिने और दर्शक बैठे हैं, जो परेड के जवानों के परिवारी जन है, जोरदार तालियों से अपने इन नौनिहालों का स्वागत करें, इनका जोश बढ़ाएं। खाकी वर्दी हरे पट्टों में तीसरी टोली, बहुत सुंदर, लोकेंद्र शर्मा के निर्देशन में चौथी टोली, कपिल चौधरी के नेतृत्व में छठवीं टोली, सातवीं टोली कृष्णकांत के नेतृत्व में, पूरी रिछान परेड में मुख्य अतिथि महोदय के अभिवादन में और अपने जोश को प्रदर्शित करने के लिए मार्च पास्ट की। परेड अलाइनमेंट की ओर पुनः बढ़ती हुई, और इधर आप देख रहे हैं परेड कमांडर पुनः अलाइनमेंट की ओर आगे बढ़कर दिशांत परेड के अग्रिम कार्यों हेतु नेतृत्व संभालने लिए जाते हुए